केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कहे जाने वाली पीएम श्री स्कूल का उद्देश्य छात्रों को बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आधुनिक शिक्षा देना है, लेकिन एमपी में इसका हाल बेहाल है। यहां पीएम श्री स्कूल का परिसर बारिश के पानी में तालाब बन गया है, जिससे स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण पीएम श्री स्कूल योजना है। योजना की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2022 को की थी। योजना में कई शासकीय स्कूलों को चुना गया था ताकि उन स्कूलों में मिलने वाली व्यवस्थाओं पर खासा सुधार किया जा सके, जिसमें इटारसी का शासकीय कन्या स्कूल भी शामिल है। लेकिन इस योजना पर सरकारी अधिकारी पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर पीएम श्री स्कूल का परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। छात्र फिलहाल घुटने तक पानी से गुजरकर क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग पीएम श्री स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ठोस प्रयास नहीं कर रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने नगर पालिका को परिसर की साफ सफाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। इतना गंदा पानी, नालियों का पानी भी स्कूल में आ जाता है। इधर बहुत सारा पानी भरा रहता है, जिससे हम जाते तो पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है, सॉक्स और शूज गीले हो जाते हैं, क्लास में बैठते तो क्लास में पूरा पानी पानी हो जाता है। और कीड़े मकोड़ों का बहुत डर रहता है कि बारिश के टाइम पे कहीं से कीड़े कुछ काट आट ना दे, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर बोला तो है, सर लोग बोलते हैं करेंगे करेंगे, पर बहुत लेट करते हैं। हर साल यही प्रॉब्लम होती है, पानी भरा जाता है बरसात के बाद। अच्छा, ये स्थिति तो इसीलिए ही है कि हमारे कैंपस के चारों साइड में रोडों की ऊंचाई ज़्यादा है और साला कैंपस की जो है वो नीचे है, स्कूल नीचे हो चुके हैं रोडों से, और हमारा कंपाउंड ग्राउंड जो है वो सब नीचे होंगे, जिसके वजह से पानी जब शहर के जितने भी पानी निकलते हैं वो नाली जब उसमें नाली में ओवरफ्लो होते हैं तो वो पानी हमारे कैंपस में भी आ जाते हैं। इतने सालों से वैसे नगर पालिका ही मदद करते आए हैं और इस बार भी हमने उसी के लिए लेटर भी लिखे थे, लेकिन वो पूरा सफाई नहीं हो पाया और सफाई करने में कुछ लेट भी हो गई, जेसीबी लेट भी आई जिससे पानी गिर गया था और जेसीबी अंदर नहीं हो पाया और उसका सफाई नहीं हो पाई, जो नाली की जो सफाई होती है वो नाली सफाई नहीं हो पाई है। पीएम श्री स्कूल तो है, ये वैसे अपने ज़िले में 12 स्कूल हैं, वो पुराने स्कूलों को ही वो उसका नाम दिया गया है और उसके अनुसार जो इम्प्लीमेंट होना है वो कुछ बाकी रह गए और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें सरकार दे तो रही है, लेकिन जो अपने को मेन जो कमी है वो मेन कमी के लिए वैसा राशि अभी तक नहीं मिला है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।